नमस्कार, आप देख रहे हैं इलेक्शन डीएनए और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। क्या कर्नल सोनाराम, जिनको टिकट बाड़मेर से बीजेपी ने नहीं दिया, उनका टिकट काट दिया, क्या वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं? इस बीच सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि दौसा के अंदर क्या किरोड़ी लाल मीणा मैदान में हो सकते हैं या फिर वो निर्दलीय भी ताल ठोक सकते हैं। वहीं सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि एसबीसी को लेकर क्या मुस्लिम और मीणा आपस में सियासी तौर पर टकराते हुए नजर आने वाले हैं? कांग्रेस ने किस किस को किस किस लोकसभा सीट की जिम्मेदारी यहां पर सौंपी है? और राहुल गांधी वर्सेस प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान में किस तरीके से कहां पर नजर आने वाले हैं? दिखाएंगे हर सियासी खबर और सियासी खबर का विश्लेषण, यानी दिखाएंगे इलेक्शन डीएनए। इलेक्शन डीएनए की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, क्योंकि राहुल गांधी राजस्थान में करेंगे 8 चुनावी रैलियां। अभी 8 चुनावी रैलियां किस तरीके से करेंगे, इसको ग्राफिक्स के जरिए जरा समझने की कोशिश कीजिए। राहुल गांधी 8 चुनावी सभाएं करने वाले हैं, 2 दिन राजस्थान के प्रवास पर वो रहेंगे, प्रचार करते नजर आएंगे। 4 चुनावी सभाएं वो पहले चरण में करते हुए नजर आएंगे, वहीं दूसरे चरण के दौरान भी वो 4 सभाओं को संबोधित राजस्थान के अंदर करने वाले हैं। अगले हफ्ते राजस्थान के दौरे पर राहुल गांधी आ सकते हैं, यानी कि पहले दिन जब राहुल गांधी यहां पर आएंगे तो 4 सभाएं यहां पर करते हुए नजर आएंगे। और जाहिर है पहले चरण में 13 सीटों पर जो मतदान होना है उन्हीं को साधने के लिए यहां पर चुनावी सभाएं होती हुई नजर आने वाली है। लेकिन सच्चाई यह भी है कि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए जिम्मेदारी मंत्रियों को दे दी है, वरिष्ठ नेताओं को दे दी है। अब यह किस तरीके से है ये भी देखिए। 25 लोकसभा के लिए चुनाव प्रभारी बाकायदा बनाए गए हैं और उनको जिम्मेदारी यहां पर दे दी गई है, जिनमें मंत्री हैं, वरिष्ठ नेता हैं, पीसीसी पदाधिकारियों को भी ये जिम्मेदारी यहां पर दी गई है। टोंक सवाईमाधोपुर राजेंद्र चौधरी और अशोक बैरवा, अजमेर से डॉक्टर रघु शर्मा। वहीं आगे देखिए बाड़मेर जैसलमेर की जिम्मेदारी किसके पास, हरीश चौधरी और अमीन खान। वहीं पाली के अंदर जिम्मेदारी किसके पास, डॉक्टर चंद्रभान और संयम लोढ़ा जिम्मेदारी संभालते पाली के नजर आएंगे। जोधपुर में बीडी कल्ला और साले मोहम्मद ये जिम्मेदारी संभालने वाले हैं। जालौर सिरोही में भंवर सिंह भाटी, सुखराम विश्नोई, रामलाल मेघवाल। उदयपुर के अंदर डॉक्टर गिरिजा व्यास, अर्जुन बामनिया और इसके बाद दयाराम परमार ये जिम्मेदारी संभालेंगे। बांसवाड़ा डूंगरपुर महेंद्रजीत सिंह मालविया जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आएंगे। चित्तौड़गढ़ उदयलाल आंजना यहां पर जिम्मेदारी संभालने वाले हैं। वहीं राजसमंद देखिए रिचपाल मिर्धा जिम्मेदारी संभालेंगे, लक्ष्मण सिंह रावत जिम्मेदारी संभालते नजर आएंगे। भीलवाड़ा का रुख करते हैं, अशोक चांदना, रामलाल जाट, धीरज गुर्जर ये यहां पर जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आने वाले हैं। कोटा का रुख करते हैं, शांति धारीवाल, भरत सिंह, हरिमोहन शर्मा ये जिम्मेदारी यहां पर संभालेंगे। झालावाड़ बारा प्रमोद जैन भाया, मोहन प्रकाश, संजय गुर्जर जिम्मेदारी संभालेंगे। गंगापुर, माफ कीजिएगा, गंगानगर गोविंद डोटासरा, विनोद चौधरी, गुरमीत सिंह कुन्नर। बीकानेर बीडी कल्ला, भंवर सिंह भाटी और गोविंद राम मेघवाल जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आएंगे। चूरू का जरा देखिए, मास्टर भंवरलाल मेघवाल, भंवरलाल शर्मा, सुभाष गर्ग और नरेंद्र बुडानिया। वहीं झुंझुनू में प्रसादी लाल मीणा, ब्रजेंद्र सिंह गोला और राजकुमार शर्मा जिम्मेदारी संभालते नजर आएंगे। सीकर में गोविंद सिंह डोटासरा, दीपेंद्र सिंह शेखावत, राजेंद्र पारी। जयपुर शहर का रुख करते हैं, जयपुर शहर को भी देखिए, सीकर की एक बार हम आपको फिर से ग्राफिक्स दिखा रहे हैं। जयपुर शहर प्रताप सिंह खाचरीवास और इसके अलावा महेश जोशी जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आएंगे। वहीं जयपुर ग्रामीण पर लालचंद कटारिया, राजेंद्र सिंह यादव, शकुंतला रावत और ब्रिज किशोर शर्मा। वहीं अलवर टीकाराम जूली, करण सिंह यादव और जुबेर खान ये जिम्मेदारी यहां पर संभालने वाले हैं। भरतपुर में विश्वेंद्र सिंह, भजनलाल जाटव, जाहिदा खान ये जिम्मेदारी यहां पर संभालने वाले हैं। धौलपुर करौली रमेश चंद मीणा और इसके अलावा खिलाड़ी बैरवा जिम्मेदारी यहां पर संभालने वाले। दौसा सिर्फ एक नाम, ममता भूपेश। नागौर ये महत्वपूर्ण सीट, मास्टर भंवरलाल मेघवाल और महेंद्र चौधरी को ये जिम्मेदारी यहां पर दी गई है। तो 25 लोकसभा सीटों पर किस तरीके से मंत्रियों के साथ साथ वहां के वरिष्ठ नेताओं और विधायकों को जिम्मेदारी यहां पर दी गई, अब इसके पीछे की सियासत को जरा समझिए। दरअसल कांग्रेस के अंदर यह साफ तौर पर कहा गया कि जिस मंत्री के लोकसभा क्षेत्र के अंदर कांग्रेस का प्रत्याशी जीतेगा उसके पोर्टफोलियो में इजाफा हो सकता है, वहीं जिस मंत्री के
लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस का प्रत्याशी हारेगा उसके आधार पर आगे के कैबिनेट का फैसला लिया जाएगा। लेकिन एक सबसे बड़ी खबर, चौंकाने वाली खबर हम आपको बता रहे हैं। वर्तमान सांसद कर्नल सोनाराम पार्टी से नाराज यहां पर चल रहे हैं, जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, और टिकट नहीं मिलने की वजह से वो नाराज यहां पर चल रहे हैं। दरअसल उनका टिकट काटकर कैलाश चौधरी को टिकट यहां पर दिया गया और इसी वजह से वो नाराज हैं। पार्टी को 5 दिन का कर्नल ने अल्टीमेटम दिया है, लेकिन पार्टी की तरफ से अभी कर्नल के पास कोई जवाब यहां पर नहीं आया है। अब कर्नल 2 दिन और करेंगे पार्टी के जवाब का इंतजार, और उसके बाद अगर पार्टी कर्नल को नहीं करती है राजी तो कर्नल सोनाराम चौधरी थाम सकते हैं कांग्रेस का हाथ। फिलहाल दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं कर्नल सोनाराम। अब जरा एक तस्वीर को अपने जहन में याद कीजिए, हमने ही दिखाई थी किस तरीके से कर्नल सोनाराम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बाड़मेर दौरे के दौरान उनसे मिले थे, और उसके बाद से ही उनके टिकट कटने की खबरें लगातार चलने लगी थी और कांग्रेस में शामिल होने की भी। लेकिन जैसे उनका टिकट कटा उसके बाद नाराजगी सामने आई, और नाराजगी सामने के बाद अब ये माना जा रहा है कि अगर पार्टी उनको मना नहीं पाई, मनाने का मतलब आप समझते हैं, अगर मना नहीं पाई तो एक बार फिर से कर्नल सोनाराम मूल पार्टी यानी कि कांग्रेस में वापस जा सकते हैं। बहरहाल इसके अलावा जातिवाद का छोंक किस तरीके से लोकसभा चुनाव में दिखाई दे रहा है, ये खबर अपने आप में महत्वपूर्ण, क्योंकि अक्सर नेता ये कहते हैं कि जातिवाद के नाम पर वो राजनीति नहीं करते हैं। बीजेपी को दरअसल हनुमान बेनीवाल का यहां पर समर्थन मिला है, तो जाट महासभा कांग्रेस के समर्थन में आ गई है। यानी एक तरफ जाट को हनुमान बेनीवाल के जरिए साधा जाएगा, दूसरी तरफ छिटकने का डर है। वहीं कांग्रेस के समर्थन में राजा राम मील भी हैं और समर्थन का ऐलान कर दिया है, ये भी अपने आप में एक बड़ी खबर। इसके अलावा घनश्याम तिवाड़ी आ चुके हैं, रावणा राजपूत का एक बड़ा नेता भी अब कांग्रेस के साथ नजर आ रहा है। जनार्दन गहलोत की रावणा राजपूतों में अच्छी पैठ है और उसके जरिए कांग्रेस फायदा उठाती हुई नजर आएगी। पहले बीजेपी के लिए बाड़मेर सीट पर काम उन्होंने किया था। तो ये किस तरीके से जाति आधारित नेता एक पार्टी से दूसरी पार्टी के अंदर आते रहते हैं, जाते रहते हैं, और पार्टियां किस तरीके से उन नेताओं के चेहरों के जरिए जातियों के जो वोट बैंक है उसको साधने की कोशिश करती हुई नजर आती है। एक नाम इसमें निकलकर सामने आया था घनश्याम तिवाड़ी का। अब घनश्याम तिवाड़ी क्योंकि कांग्रेस में चले गए हैं, शुरुआत उन्होंने राजनीति की बीजेपी के साथ की, तो अब तिवाड़ी जी की ये कैसी व्यथा, ये अपने आप में सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस में शामिल होने के बाद पहली बार तिवाड़ी ने सवाल यहां पर किया है और कहा है कि मैं जब तक बीजेपी में था देशभक्त था, आज नहीं हूं। आखिर ये कैसे हो गया, जो बीजेपी में वही देशभक्त है, तिवाड़ी ने बीजेपी को निशाने पर लिया है। यकीनन ये निशाने पर लेते हुए और क्या बोला ये भी जरा सुन लीजिए। बीजेपी सरकार आई तो लोकतंत्र में आखिरी चुनाव होगा। अब तिवाड़ी के इस बयान को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान के साथ जोड़कर देखिए, मुख्यमंत्री भी हर सभा के अंदर ये कह रहे हैं कि अगर मोदी सरकार वापस आ गई तो जरूरी नहीं कि अगला चुनाव हो, और वही भाषा घनश्याम तिवाड़ी कांग्रेस में जाने के बाद बीजेपी के खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे हैं, और वो भी यही कह रहे हैं कि अगर बीजेपी वापस आई तो ये देश के अंदर आखिरी चुनाव होगा। लेकिन क्या वाकई में मंत्रियों की नौकरी दांव पर है, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है, जिसका जिक्र मैं कर रहा था। डॉक्टर रघु शर्मा ने सीकर की सभा में हंसते हुए कही अनूठी बात, रोचक बात आप इसको कह सकते हैं। शर्मा ने चुनाव परिणामों की तरफ इशारा किया और कहा कि बेहतर रिजल्ट पर टिकी रहेगी नौकरियां। ये इशारा यहां पर किया गया, जरा पढ़िए, अगर बेहतर टिकट और रिजल्ट यहां पर आए तो नौकरियां बची रहेंगी, 5 लाख वोटों से जीतेंगे सुभाष मेहरिया, ये सीकर के अंदर दावा किया गया है। ऐसे में नहीं है उनकी नौकरी को कोई संकट। आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं एक दल और दो जातीय छत्रम, मतलब आप समझ गए हैं, डॉक्टर किरोड़ी और कर्नल बैसला अब एक पार्टी के अंदर दोनों हैं, दोनों का ही ताल्लुक पूर्वी राजस्थान से है, और समन्वय बना तो राजनीति यकीनन यहां पर गर्मा जाएगी, नहीं बना समन्वय तो स्थानीय सियासत यहां पर बदलती हुई नजर आएगी। लेकिन क्या किरोड़ी बीजेपी के लिए दूर की कोड़ी साबित होंगे, जो सियासत को साध पाए, वोट बैंक को साध पाए, क्योंकि दोनों के ही नाम किरोड़ी है, एक किरोड़ी लाल मीणा और दूसरे कर्नल किरोड़ी बैसला। बहरहाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत श्रीगंगानगर में थे, वहां पर उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि वसुंधरा राजे पर चुटकी ली है और बोला है कि वसुंधरा जी आपको नजर ना लगे, तो इस पर सभा में खूब ठहाके लगे। दरअसल काले झंडे को लेकर बोल रहे थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत,
और काले झंडों को बोलते हुए उन्होंने कहा कि काला टीका तो बच्चों को नजर से बचाने के लिए लगाया जाता है, लेकिन वसुंधरा राजे पता नहीं क्यों डरती है काले झंडे से। ये दरअसल यहां पर कहते हुए नजर आए। अब इसको विधानसभा चुनाव के साथ जोड़कर जरा देखिए, क्योंकि विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के अंदर यह कहा गया था कि आप रैलियों के अंदर ना काले झंडे लेकर आए, ना काला रुमाल लेकर आए और ना ही काले कपड़े पहनकर आए। अब इसी पर चुटकी दरअसल मुख्यमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री को लेकर कही है और कहा कि काला रंग टीका होता है जो नजर से बचाता है, आप इससे डरे नहीं। लेकिन अब हम आपको बताते हैं, कांग्रेस में जल्द शुरू होंगे स्टार प्रचारकों के दौरे। उनकी जो तारीखें हैं वो धीरे धीरे तय होने लगी है। पीसीसी मांग रही उम्मीदवारों से डिमांड और डिमांड के अनुसार ही स्टार प्रचारक यहां पर बुलाए जाएंगे। जाहिर है जो लोकसभा प्रत्याशी चाहता है कि उसके इलाके में, उनके इलाके में एक्स वाई जेड जो भी स्टार प्रचारक है उनकी रैली वहां पर हो, तो उसी के आधार पर डिटेलिंग यहां पर होगी। जबकि सच्चाई है कि ज्यादातर उम्मीदवार चाहते हैं राहुल और प्रियंका के दौरे। बॉलीवुड स्टार की भी मांग यहां पर कुछ जगह से आई है। वैसे सीएम गहलोत की हर जनसभा पर नजर है। आगे बढ़ते हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के एक दिन पहले श्रीगंगानगर पहुंचने का सफल परिणाम यहां पर सामने आ रहा है और उसकी वजह क्या है, एक दर्जन से ज्यादा सदस्यों ने कांग्रेस ज्वाइन यहां पर कर ली है। कल रात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक अहम चर्चा यहां पर की थी। होटल में कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात की गई थी और सीएम की कल की चर्चा से कई समीकरण यहां पर साधे गए थे। जो कल चर्चा यहां पर हुई थी उसी के जरिए कई समीकरणों को यहां पर साधा गया है और इसी का नतीजा आज इस तादाद में लोग कांग्रेस के अंदर शामिल हो गए हैं। वैसे भी चुनाव से पहले इस तरीके की अदला बदली पार्टियों के अंदर अक्सर देखी जाती है। लेकिन अगली खबर जो हम आपको बता रहे हैं, इसको सियासी तौर पर प्रतिष्ठा के साथ जोड़कर देखिए, क्योंकि श्रवण कुमार के चुनाव को रीटा ने बनाया प्रतिष्ठा का सवाल। सारे गिले शिकवे भुलाकर विरोधियों से मदद यहां पर मांगी जा रही है। दो दिन पहले झुंझुनू की बैठक में ब्रिजेंद्र ओला से मदद यहां पर मांगी गई। कल सीएम की सभा में भी एक दिलचस्प नजारा देखने को यहां पर मिला है। पीसीसी के पूर्व चीफ यानी कि डॉक्टर चंद्रभान का मंच पर आशीर्वाद लिया और शायद ये समझौते ला सकते हैं झुंझुनू में कांग्रेस के अच्छे दिन। आने वाले दिनों में डॉक्टर चंद्रभान के साथ रीटा मांगेगी वोट। श्रवण कुमार दोनों के साथ मंडावा में जनसंपर्क करते हुए नजर आएंगे। दरअसल रीटा चौधरी और डॉक्टर चंद्रभान मंडावा के अंदर दो अलग अलग धुरी एक तरीके से कह सकते हैं। अक्सर इनमें अदावत देखी जाती है, क्योंकि विधानसभा चुनाव की लड़ाई के दौरान टिकट का मिलना, टिकट का कटना, ये चीजें यहां पर दिखाई दी थी। बहरहाल अब इसको कैसे कांग्रेस साधेगी ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन पीसीसी में कांग्रेस का वो रूम तैयार हो गया। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने कहा जा सकता है कि कमर कस ली है और पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है बीजेपी से एक कदम आगे दिखाई दे रही है। संगठन महासचिव महेश शर्मा ने ये वॉर रूम यहां पर तैयार करा है। उम्मीदवारों, विधायकों और मंत्रियों से समन्वय लगातार यहां पर बना रहेगा। हर क्षेत्र का डाटा भी इस वॉर रूम के अंदर उपलब्ध रहने वाला है। कल से विधिवत कांग्रेस के वॉर रूम की शुरुआत यहां पर हो जाएगी। लेकिन ये वॉर रूम सोशल मीडिया पर किस तरीके से कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाएगा, सबकी नजरें इस पर भी टिकी रहने वाली है। लेकिन कितने प्रत्याशी पाली लोकसभा सीट पर टिके हुए हैं ये हमारी अगली खबर। पाली लोकसभा चुनाव में 8 प्रत्याशी अभी भी मैदान के अंदर डटे हुए हैं। मेघवाल ने नामांकन वापस लिया है। सेवाराम मेघवाल दरअसल इनका पूरा नाम, कांग्रेस बसपा प्रत्याशी है। कांग्रेस प्रत्याशी बद्रीराम जाखड़ के समर्थन में नाम वापस यहां पर ले लिया है। पाली लोकसभा में 6 प्रत्याशियों ने नामांकन वापस यहां पर लिया है। कांग्रेस बीजेपी के दिग्गजों से अब सीधी टक्कर यहां पर होती हुई नजर आएगी। यानी कि जो यहां पर सीधी टक्कर होनी है वो बद्रीराम जाखड़ और पीपी चौधरी के बीच में होनी है। लेकिन एक अलग तरीके की खबर हम आपको बता रहे हैं, इसको जातिगत आधार पर जरा जोड़कर, सियासत के साथ जोड़कर देखिए। मेव, एसबीसी और चुनाव मुद्दा बन सकता है मौजूदा चुनाव में, और ये हम क्यों कह रहे हैं और इसका असर कहां होगा ये भी देखिए। अलवर और भरतपुर सीट इससे सीधे तौर पर प्रभावित हो सकती है। गुर्जर वर्ग ने किया है एसबीसी के लिए संघर्ष। मेव समीकरण से गड़बा सकता है जातीय समीकरण। अब इसके पीछे की खबर को भी जरा समझ लीजिए कि ये जातिगत समीकरण किस तरीके से गड़बड़ाता हुआ नजर आएगा। दरअसल एसबीसी में आरक्षण को लेकर एक पत्र की बड़ी चर्चाएं
सियासी तौर पर हो रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिट्ठी भेजी विभाग को और इस चिट्ठी में क्या है ये जरा देखिए। पहली बार मेव समाज के आरक्षण को लेकर कवायद यहां पर की गई है। ऐसे में मुस्लिम मेव समाज में इस चिट्ठी को लेकर एक बड़ी चर्चा चल पड़ी है। वाजिब अली ने 12 फरवरी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा था और मेव समाज को एसबीसी में आरक्षण देने की जोरान मांग की गई। अब वाजिब अली को मिला पत्र का जवाब और जवाब में क्या है ये जरा देखिए। सीएम की तरफ से दिए गए पत्र में जिक्र ये किया गया है और वाजिब अली का मांग पत्र भेजा गया है सामाजिक न्याय विभाग। क्या वाकई में इस वजह से राजनीति राजस्थान में गर्माती हुई नजर आएगी? मेव एसबीसी और मीणा, माफ कीजिएगा गुर्जर, क्या ये आपस में ध्रुवीकरण के जरिए किसी को फायदा पहुंचाते हुए नजर आए? इससे आगे निकलते हैं क्योंकि कुछ सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी और कांग्रेस से इतर एक और पार्टी ताल ठोक रही है। त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर दिखाई दे रहा है। बांसवाड़ा लोकसभा सीट, यहां पर कुल 5 प्रत्याशी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, यानी कि अभी मैदान में डटे हैं। बीजेपी है, कांग्रेस है, बीटीपी है और बसपा। इनके अलावा एक निर्दलीय भी मैदान में ताल ठोक रहा है। बसपा प्रत्याशी बापूलाल महज 8वीं पास हैं, वहीं बीजेपी और कांग्रेस और बीटीपी प्रत्याशी स्नातक और बीडीए बीएड हैं। 3 प्रत्याशियों ने स्नातकोत्तर तक पढ़ाई भी यहां पर की है। आगे बढ़ते हैं। हनुमान बेनीवाल का टायर परेशानी किस तरीके से बनता हुआ नजर आएगा ये हमारी अगली खबर है, इसको भी जरा देखिए क्योंकि हनुमान बेनीवाल का टायर परेशानी बनता हुआ क्यों नजर आ रहा है। कमल के सिंबल पर भी गंभीरता से विचार किया जा रहा है लेकिन इस प्राप्ति से पहले उन्हें लेना होगा निर्णय। आरएलपी का बीजेपी में विलय उन्हें करना होगा। विलय अगर होता है तभी वो कमल के निशान के साथ मैदान में हो सकते हैं। ऐसे में दल बदल कानून आड़े नहीं आ पाएगा। बोतल चलन जो बोतल का चिन्ह है वो नहीं मिलने से दिक्कत यहां पर आ रही है। टायर को कम समय में चर्चित करना हनुमान बेनीवाल के लिए चुनौती है। वैसे जिस इलाके से वो आते हैं उस बारे में कहा जाता है कि चिन्ह से ज्यादा हनुमान बेनीवाल का जो चेहरा है वो चर्चित और जनता के बीच में दरअसल वही जाता है। मारवाड़ के 2 राजपूत छत्रप एक जाजम पर नजर आए हैं। अब ये कौन कौन है ये हमारी अगली खबर। गजेंद्र सिंह शेखावत के प्रचार में बाबू सिंह राठौड़ यहां पर नजर आए हैं। सियासी चर्चा ये चल रही है कि क्या गिले शिकवे दोनों के बीच में खत्म यहां पर हो गए हैं क्योंकि गजेंद्र सिंह शेखावत के प्रचार में बाबू सिंह यहां पर दिखाई दे रहे हैं। विधानसभा चुनाव के वक्त दरअसल दोनों के अंदर दूरियां पैदा हो गई थी। बाबू सिंह राठौड़ की पराजय ने यह कंट्रोवर्सी यहां पर पैदा कर दी थी लेकिन जिस तरीके से दोनों एक जाजम पर नजर आ रहे हैं कहा जा सकता है कि दोनों के बीच कंट्रोवर्सी कुछ हद तक खत्म होती हुई यहां पर नजर आ रही है। लेकिन प्रदेश में पहले चरण में 38 प्रत्याशियों की नाम वापसी यहां पर हुई है। अब कुल 115 प्रत्याशी ही बचे हैं चुनावी मैदान के अंदर। जालौर और कोटा में सबसे ज्यादा 15 प्रत्याशी हैं और पहले चरण में भीलवाड़ा में सबसे कम 4 प्रत्याशी इस वक्त मैदान में हैं। भीलवाड़ा में सबसे कम 4 प्रत्याशी हैं, जालौर में सबसे ज्यादा 10 प्रत्याशी मैदान के अंदर टिके हुए हैं। ये जालौर के अंदर 10 प्रत्याशी और ये सबसे ज्यादा 10 प्रत्याशियों की नाम वापसी यहां पर हुई है। उदयपुर बांसवाड़ा में सबसे कम एक भी प्रत्याशी ऐसा नहीं जिसने नाम वापस लिया हो। वहीं चित्तौड़ रासमंद भीलवाड़ा में एक एक प्रत्याशी ने नाम वापस लिया है। चित्तौड़ और रासमंद में 10-10 प्रत्याशी हैं। रासमंद में 4, कोटा में 15, झालावाड़ 12 में 1 नाम वापसी यहां पर हुई है और अब कुल 7 प्रत्याशी हैं जो कि चुनावी मैदान में अभी भी डटे हुए हैं। तो इलेक्शन डीएनए में यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन दिनों मिशन 25 में जुटे हैं और सीएम गहलोत ने आज श्रीगंगानगर, सीकर और दूधू में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ डिप्टी सीएम सचिन पायलट समेत कई कांग्रेसी नेताओं ने भी सीएम गहलोत के साथ मौजूदगी दर्ज कराई। गहलोत के निशाने पर बीजेपी और पीएम मोदी रहे। गहलोत ने कहा कि देश में नोटबंदी के नाम पर सबसे बड़ा घोटाला हुआ, नोटबंदी में काले धन को सफेद किया गया। गहलोत ने कहा कि मोदी जी झूठे वादे करते हैं, 5 साल में एक भी वादा पूरा नहीं किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि देश और प्रदेश में कांग्रेस की लहर है, केंद्र में मोदी सरकार को हटा और सरकार बनाने पर कांग्रेस महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। गहलोत ने इंदिरा गांधी के कार्यकाल का भी जिक्र किया। जिस जगह झूठ बोलते हैं, गुमराह करते लोगों को, झूठे वादे करते हैं,
एक वादा उन्होंने पूरा नहीं किया, ना तो ब्लैक मनी लेके आए बाहर से, एक रुपया लेके नहीं आए, ना नौकरी लगाई बच्चों की, नौजवानों की, ना महंगाई कम करी, ना 15 लाख रुपये खाते में आए, और ना अच्छे दिन आए हैं। अच्छे दिन आए हैं तो आप समझ सकते हो कि नोटबंदी करके उन्होंने पता नहीं कितना बड़ा घोटाला हुआ देश के अंदर, कोई कल्पना नहीं करता नोटबंदी के नाम से। आप लोगों को लाइन में लगा दिया, 300 से अधिक लोग मारे गए थे लाइनों के अंदर, किसी ने उनकी परवाह करी उन्होंने? और ब्लैक मनी खत्म कर देंगे, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, नक्सलवाद खत्म होगा, कोई खत्म नहीं हुआ। तो सियासी वार पलटवार चलता रहेगा, लेकिन 9:26 पर हम होंगे आपके सामने और दिखाएंगे हर खबरों का सियासी विश्लेषण और बताएंगे खबरों के अंदर का डीएनए, यानी कि दिखाएंगे इलेक्शन डीएनए। आगे देखिए न्यूज़ एट डिनर। नमस्कार।